वेल तो दोस्तों, क्या हालचाल। GTA 5 के और एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। गाइस आप लोग देख रहे हैं जेपी गेमर्स यूट्यूब चैनल। और अभी के बज रहे भाई, कितने बज रहे, 23 और मतलब अभी 11 बज रहे, मतलब 11:30 जैसा हो चुका है, मतलब 11:40 होने वाला है। और जैसे कि आप लोग सबको पता ही होगा कि पिछली बार हम लोग एपिसोड के अंदर हम लोगों ने अपनी जो थार परचेस कर ली थी, अभी वही मैं मतलब उसी दिन की बात है, मैं अभी रात को ये थार इधर पार्क कर दी और बैनी बाइक छोड़ के गया था। देखो अपनी कार है, पीछे JP भी लिखा है। सो गाइस, बैनी भी अपना छोड़ गया था, अपनी जो फरारी थी हम लोग उसके घर पे छोड़ के निकल गए थे, लेकिन वो देने आया था हमें फरारी। और वैसे यार अच्छी दिख रही है थार और इनोवा क्रिस्टा। एक फ़ोटो यार ले लेते उसका बढ़िया पहले। तो वैसे यार आप लोगों को कैसा लगा, ओके तो क्लिक कर लेता हूँ। फिर आप लोगों को कैसा लगा यार, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ये बता देना कि भाई थार कैसी लग रही है। वैसे यार इनोवा क्रिस्टा से अच्छा तो थार लग रही है, वैसे भी मुझे थार पसंद है इसलिए। सो गाइस अभी हम लोग तो सो जाते हैं क्योंकि अभी बहुत ही टाइम हो रहा है। अभी देखो 12 बज गए, बातों बातों में मतलब टाइम तो बहुत ही जल्दी निकल जाता है। सो ओके दोस्तों, हम लोग पहले सो जाते हैं, फिर अभी हमें और कुछ काम तो है नहीं। अभी सुबह हम लोग निकले के शांति से एकदम अपनी ऐसे ही घूमने जाएंगे। पहले तो भाई कपड़े चेंज करने पड़े, सूट में नहीं सोए हुए हम लोग। सो पोलो की एक आध शर्ट पहन लेते, वो हुडी रही भाई, हुडी कल पहन लेंगे, पोलो शर्ट पहन लेंगे। ओके सो रेड कलर की, और वही अपनी फेवरेट शॉर्ट्स जो है वही ले गए, चंपल वाली की बस ये रही। वैसे यार यही कपड़े में अच्छा लगता है माइकल, वैसे मस्त जाने का। सो ओके दोस्तों, पहले तो भाई हम लोग सो जाते और सुबह हम लोग बात करते। सो लेट्स गो गाइस, हम लोग सो जाते अभी। सो ओके दोस्तों, अभी सुबह हो चुके, अलार्म बज चुका है और माइकल भाई उठ चुका है। सो अभी के बज रहे 6:32 और हम लोग मतलब सुबह उठ चुके हैं, 12 बजे सोए थे, 6 घंटे की नींद पूरी हो गई हमारी। और वैसे तो हम लोग अभी मैं दिखाता हूँ, वैसे माइकल अपना मुंह देखेगा पहले तो। वैसे मॉर्निंग तो हो चुकी है, मतलब बढ़िया से लॉस सैंटोस यार अच्छी सिटी वैसे कह सकते हैं आप लोग। तो भाई हम लोग अभी तो पहले करेला का जूस पी लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों से तो नहीं मैं पीता ही हूँ, लेकिन यार वीडियो के अंदर नहीं बताता हूँ, अरे वीडियो के अंदर। सो अभी करेले का जूस पी लेता हूँ पहले तो। वैसे यार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि करेले का जूस पीते हो कि नहीं पीते हो। सो ओके माइकल यार मुंह तो बढ़िया बनाता है लेकिन पी लेता है भाई, ऐसा नहीं है। हम लोग तो मैं तो पीता नहीं हूँ, आप लोग पीते होगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना भाई पीते हो कि नहीं पीते हो। सो यार एकदम मस्त लग रही है थार। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग घूमने जाए ऐसे बीच पे, वॉकिंग करने नहीं जाने वाले, बस ऐसे ही थार में घूमने जाएंगे और लगे हाथ थार को धो भी देंगे उधर ही। वैसे गाइस क्या सिनेमेटिक्स लग रहा है। पर हाँ, आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि थार जो है ब्लैक कलर की है, पीछे से सिल्वर दिखेगी, मतलब कलर यार बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला है क्योंकि मुझे यही कलर पसंद आया था। और हॉर्न बहुत भी सब बढ़िया है इसका। देखो पीछे से अभी आपको ग्रे लगेगी लेकिन ग्रे नहीं है, ब्लैक ही है, लेकिन वो शेड के वजह से ऐसा लगता है आपको कि वो ग्रे हो चुकी है। लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग एक काम करते, पहले मैं बीच पे जाता हूँ, बस ऐसे ही घूमेंगे उधर और अपनी थार को थोड़ी नहला भी देंगे। सो ओके लेट्स गो गाइस, जाते हम लोग बीच पे। लेट्स गो दोस्तों, यार हम लोग आ तो चुके, अभी सिनेमेटिक्स लेते लेते अपनी थार के साथ, और सब लोग भाई इधर ही रुकना और मैं निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे एक जो बम्प है, मतलब ऐसे ट्राई करते भाई कैसे उसके सॉपक सर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और ऑफ रोडिंग भी करनी हमें थार से, लेकिन अभी देखते हैं पॉसिबल होगा तो कर लेंगे आज। वैसे यार अच्छी है अपनी जो रॉल्स रॉयस के, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा रील्स में, नहीं तो इधर भी देखा ही होगा कि भाई जो उनके रहते वो मतलब टायर ही हिलते, पूरी कार नहीं हिलती, अपनी थार थोड़ी हिल जाती है। अभी सिनेमेटिक्स लेते यार क्योंकि यहाँ पे तो आए, बहुत ही एकदम मस्त लगेगी सिनेमेटिक्स में। पर जो भी मैं सिनेमेटिक्स ऐसे ही टाइम पास के लिए लूँगा तो आप मुझे बताना भाई कि कौन सा वाला पार्ट, मतलब कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा वाला पार्ट है जो आपको अच्छा लगे इस सिनेमेटिक्स में। वैसे यार मेरे को तो यार थार के सिनेमेटिक्स बहुत ही पसंद है, बस ऐसे ही हमें टाइम पास करने ही आए हैं। और भाई बढ़िया लग रहा है वैसे, मतलब मुझे टाइम लिख के बताना कि भाई ये वाला पार्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो अभी थार को नहला देते थोड़ी सी भाई, हट जा नहीं तो तेरे को भी साथ में लेके निकल जाऊंगा। सो ओके थार, वैसे सिनेमेटिक्स यार ऑन करते क्योंकि बढ़िया लगेगा इसमें। देखो यार पानी वानी खतरनाक उड़ा रही है थार अपनी भाई। आंटी जी अर बच गया, आंटी जी नहीं भाई अंकल जी था वो, कुछ भी बोल देता हूँ मतलब मैं।
वैसे यार सिनेमेटिक्स बहुत ही बढ़िया है, और अपनी थार वैसे साफ ही थी, मैं ढूंढने निकला था ऐसे ही टाइम पास के लिए। वैसे ऑल भाई एकदम बढ़िया ही था। सो भी क्या करते यार, घर पे निकल जाते, एक आध दो फोटो खींच लेते, मतलब अभी जो बीच पे आए हैं तो यार थोड़ी सी बढ़िया भी रहेगा कि बीच पे पीछे यार देखो एक बोट भी है। सो उधर से ही हम लोग एक आध फोटो ले लेते, और दूसरी भाई उधर मतलब क्रूज़ भी है, सो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो मैं थोड़ी सी क्रॉस कर लेता हूँ अपनी थार को, तो बढ़िया लगेगा ऐसा, क्योंकि बहुत मतलब फ़ोटो तो मैंने खींचा ही नहीं अपने थार के साथ ऐसे ही। सो भी वैसे यार आपको थार कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है। सो ओके भाई, पहले तो यार फ़ोटो खींच लेते, वैसे थार तो यार बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप लोग मेरे को यार कितनी बार बोलूँगा, मैं भी मेरे को भी खुद को नहीं पता मैं कितनी बार बोल रहा हूँ। वैसे यार जो ओके सो भी वो आ रही है वैसे अंदर, बस यही फ़ोटो भी बढ़िया लगेगा। सो यार मेरे को फिर से कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों को दोनों में से कौन सा फ़ोटो अच्छा लगा। जो फ़ोटो अच्छा लगा मेरे को कमेंट करना मत भूलना भाई। सो अभी बज रहे 7 ओके, सो मैं बहुत ही देर हो चुकी है, सो अभी निकल लेते यार घर पे, क्योंकि बस वैसे ही हम लोग ऐसे ही घूमने आए थे, और कार मतलब थार धुलाने आए थे। वैसे यार थार तो एकदम धुल ही चुकी थी। सो अभी सिनेमेटिक्स लेते लेते जा तो रहे हम लोग। सो ओके गाइज यार ओके, मतलब कभी कभी सिनेमा ओ कट मार ली मैंने, मतलब ये तो निकल जाएगी। वैसे अपनी थार है ही बढ़िया लगती है, मतलब ऐसे छोटे मोटे रास्ते में तो वो निकल जाएगी, और ऑफ रोडिंग भी कोई टेंशन नहीं। देखो ओके सो यहाँ से तो नहीं, ऊपर से जाऊँगा मैं। ओके सो भाई हम लोग अभी चलते हैं यार अपने घर पे, वैसे भी हमें कोई काम तो नहीं है। सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग अपने शोरूम देख के आएंगे। सो लेट्स गो गाइज यार, चलते घर पे फ्रेश होके शोरूम पे निकल लेंगे। सो ओके गाइज चलते हैं घर पे। हाँ तो भाई मैं अभी घर पे जा रहा था, लेकिन गाइज यार फ्रैंकलिन का कॉल आया मुझे कि भाई अभी उसने ना क्या एक मतलब कुछ काम है, और उसने कुछ नई चीज़ स्टार्ट की है। सो मेरे को वो बोल रहा था कि भाई तू घर पे आ जा और हम लोग उधर बैठ के बात कर लेंगे। ओ भाई क्या यार, थार एक तो नहीं है भाई, तू ठोक के चला गया हमें। वैसे यार कोई नहीं, अभी सिनेमेटिक्स बहुत ये भी अच्छा लग रहा है। वैसे यार सारे GTA 5 के सिनेमेटिक्स, और ये जितने भी मतलब अभी थार के सिनेमेटिक्स हैं ना, बहुत ही सब भी मतलब बढ़िया लग रहे हैं। कार को इधर ही रख दो, नहीं नहीं काम करोगा मतलब जैसी थी उधर ही रख लेंगे और ऐसे ही निकल जाएंगे फिर। सो अभी हमें जाना है फ्रैंकलिन के घर पे। सो अभी सोच रहा हूँ हुडी पहन लेते, क्योंकि वो भी बढ़िया लगेगी हुडी। और वो बोल रहा है कि भाई तेरे को किसी और जगह पे भी जाना है, देखते अभी कि क्या है, उसके घर पे जाके ही पता चलेगा हमें कि क्या सीन है उधर। सो ओके अभी हम लोग हुडी पहन लेंगे। सो पोलो में तो भाई ठीक ही है, हुडी अच्छी लगेगी बहुत, मैं पहली बार मैं पहन रहा हूँ यार हुडी। और ये जीन्स ही पहन लेंगे, अच्छी लगे वैसे जीन्स, वो ब्लैक भी अच्छा लगता, दोनों ही बढ़िया है उसके। मैं कल पे यार सारे कपड़े वैसे तो सूट होते हैं, शर्ट भी सूट होता है, टी शर्ट भी और हुडी भी, सभी बनियान नहीं भाई बनियान तो यार अभी चलता रहता है। सो लेट्स गो गाइस, अब मैं हम लोग जाने वाले अभी फ्रैंकलिन के घर पे, देखते हैं भाई बंदा क्या बोल रहा है। पता नहीं बोल रहा है कि न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है उसने। सो मैं उधर जाके पता चलेगा भाई कि कौन सा बिजनेस उसने स्टार्ट किया है। और भाई वैसे तगड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया मतलब फ्रैंकलिन ने, तो अभी बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, मतलब है ही पहले से बिजनेस में, स्टॉक मार्केट का ऐसा कुछ था उसमें, पता नहीं क्रिप्टो विप्टो कुछ था तो सही उसका। ओ भाई कट अच्छी मारी मैंने। सो लेट्स गो गाइस, पहले चलते यार फ्रैंकलिन के घर पे, बात की बाद हम लोग बाद में करेंगे, लेट्स गो गाइस। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे होंगे, अभी मैं अपनी बढ़िया सा सिनेमेटिक्स लेते लेते और यहीं से ऊपर ले लेता हूँ मैं, क्योंकि भाई थार है यार, ऑफ रोडिंग तो बनती रहती है भाई इसके अंदर। सो सिनेमेटिक्स तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, आपको कैसा? फिर से मैं आ गया कमेंट सेक्शन पे ही बहुत ही बार बोला है मैंने आज वीडियो में कमेंट कमेंट, मेरे को खुद को पता है भाई। वैसे यार क्या यार, बहुत ही कम लोग बंदे मतलब अभी देख रहे मेरा वीडियो, लेकिन जब भी चलेगा भाई तब भी कमेंट कर देना, और जो बंदा बाद में देख रहा है मेरे को वो भी कमेंट कर देना। भाई ये तो क्या योगा कर रहा मतलब इधर, मुझे पता ही था वैसे क्योंकि सुबह का टाइम हो रखा है। सो भाई उससे चलो पहले बात कर लेते कि भाई क्या बोल रहा है, तो भाई योगा ख़त्म होते वैसे बात कर लेते हम लोग। सो लेट्स गो गाइस, बात कर लेता हूँ मैं पहले। सो ओके दोस्तों, मेरी बात हो चुकी है फ्रैंकलिन से। फ्रैंकलिन बोल रहा है कि मतलब अभी बहुत ही उसने अच्छा वाला बिजनेस स्टार्ट किया है,
सो मैं आपको दिखाऊंगा यार उधर ही जाके। और पता नहीं अभी फ्रैंकलिन तो भाई किधर जा रहे हैं। सो अभी फ्रैंकलिन में बोल रहा था कि भाई वो उसने मतलब हमें लोकेशन दे दी है और उसी लोकेशन पे हमें जाना है पहले तो। और पता नहीं भाई अभी बोल रहा था कि अच्छा बिजनेस है, वैसे मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा। मैं पहले मार्क कर लेता हूँ भाई उस, अरे उस साइड है। सो मैं मार्क कर लेता हूँ, पॉलिटो के साइड ही है मतलब हाईवे पे, अपना माउंटेन साइड लगेगा। सो भाई अभी वह तू किधर जा रहा है भाई? पता नहीं यार ये हर बार ऊपर किधर जाता है, शायद कुछ ना कुछ छुपा रखा है उसने, क्योंकि आगे भी मैं आया था। और यहाँ से ऑफ रोडिंग करके निकल लेंगे भाई ऊपर से, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मेरे बढ़िया लग रहा है वैसे ऑफ रोडिंग यार। ए सिनेमेटिक्स यार इसमें अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब अभी कम जगह है ना तो मतलब ठोक भी दूँ मेरे को खुद खुद नहीं भाई, पता नहीं। देखो ऐसे बाहर से चलाओगा तो बढ़िया लग रहा है, वैसे अंदर से चलाओगा ना तो यार बढ़िया नहीं है। और ये देखो कभी कभी सिनेमेटिक्स के चक्कर में है ना पेड़ वेड़ आ जाते बीच में, तो ये वाला कुछ अच्छा लगा। ओके भाई जेपी मस्त लग रहा था, यही सिनेमेटिक्स मेरे को अच्छा लगा अभी तक का। सो देखते अभी या भैया, ओ भाई रॉन्ग साइड जा रहा हूँ। अबे ये क्या हो गया मेरे साथ? मतलब उसकी कार भिड़ गई, मेरे कार को कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन वो नीचे से निकल गया और मेरी कार ऊपर से। ये बहुत ही गंदा वाला सीन। ओ ये क्या कर रहा है भाई, पागल इंसान है क्या? नहीं भाई इधर से नहीं, इसको जान देते पहले, नहीं तो भाई तू रुक जा यहाँ से। ओ भाई ये मस्त जगह है, देखते यार एक आध सिनेमेटिक्स तो नहीं, ऐसे ही फोटो वोटो देख लेते। वैसे यार अच्छा लग रहा है थार यार, एक आध बार सिनेमेटिक्स देखते भाई कैसा लग रहा है। सिनेमेटिक्स के चक्कर में हम लोग गिर ना जाए नीचे। ये तो ड्रोन शूट हो रहा है, सिर्फ सिनेमेटिक्स नहीं हो रहा है भाई, ड्रोन शूट ही हो रहा है। सो निकल लेते भाई। वैसे इधर थार को खड़ी करके फ़ोटो खींच तो दो भी बढ़िया लगता, लेकिन गाइस हमें अभी जाना भी है फ्रैंकलिन ने जो लोकेशन दी है उधर। और मेरे को लग रहा है कि अच्छा बिजनेस है और टूर्नामेंट टाइप ऐसा कुछ उसने अरेंज किया है। सो गाइस पहले तो हम लोग चलते हैं क्योंकि अभी बहुत ही दूर जाना है। सो मैं बात कम करता हूँ और पहले निकल लेता हूँ, और उधर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई हम लोग किधर आने वाले। सो लेट्स गो गाइस चलते हैं, बहुत ही पतले वाले रास्ते से निकल रहे हैं हम लोग भाई सामने से। सो लेट्स गो गाइस यार चलते फटाफट से उधर, फ्रैंकलिन जो लोकेशन थी उधर ही। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे होंगे हम लोग अभी आ चुके हैं अपनी सिनेमेटिक्स लेते लेते। बहुत ही मतलब अभी ज़्यादा मैं सिनेमेटिक्स लेने लगा हूँ क्योंकि भाई थार यार वैसे बढ़िया ही लगती है। देखो ये वाला सिनेमेटिक्स भी वैसे कभी कभी है ना कम सिनेमेटिक्स। देखो ये पेड़ वेड़ बीच में आते तो मेरे को खुद नहीं दिखता भाई आगे क्या हो रहा है, मतलब पता नहीं चलता है उसके भी। उसके चक्कर में थार बार अगर बिगड़ गई मतलब ठुक भुक गई तो भाई नुकसान ही नुकसान है अपने तो, क्योंकि इम्पोर्टेड कार है, इंडिया की कार है, महिंद्रा कंपनी की भाई, अच्छी है वैसे तो। और आ तो रहे हम लोग, ओ भाई बहुत ही ज़्यादा उछल गया मतलब। सो अभी हम लोग बहुत ही मतलब आए गए अब लोकेशन पे है तो सही, यहाँ पे बंदे खड़े ये लेकिन या ओके उधर है कार, उधर दिखी मेरे को भी कार। सो हमें उधर जाना है एक और बार सिनेमेटिक्स। ओके मतलब अभी जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो गए ऑफ रोडिंग की टूर्नामेंट मतलब अभी फ्रैंकलिन ने अरेंज की है। इधर ही पार्क कर लेते भाई थार को, क्या करूँ यार नीचे लेके जाओ या ऊपर, क्योंकि भाई नीचे उसने बोला है कि भाई एक आध बार ट्रैक देख ले कि कैसा लग रहा है। और वो बोल रहा था कि ट्रैक बहुत ही भंगार वाला है, मतलब ऑफ रोडिंग किसे कहते हैं, बहुत ही तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग है भाई ये रास्ते पे। सो थार को ले जाए या ना ले जाए मैं वही सोच रहा हूँ। वैसे गंदी हो गई थोड़ी सी थार आगे से, लेकिन वो साफ कर ले गए। ओके सो यहाँ से स्टार्ट तो करना है, लेकिन गाइज भाई मैं सोच रहा हूँ कि नहीं भाई इधर ही पार्क कर लेंगे अपनी थार को, और मतलब इनकी जो कार है वही लेके जाएंगे क्योंकि ऑफ रोडिंग तो उनकी कार से कर सकते हम लोग। सो ये बाजू में जो खड़ी है 6X6, सो उसमें ही जाएंगे हम लोग। देखो मस्त है वैसे वो, उसके सॉपअप सर मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। सो हम लोग पहले यार ये लोकेशन देखते, बंदे लोग देख क्या रहे हैं? कुछ नहीं है भाई इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे पानी दिख रहा है तो भी पता नहीं पागल जैसे देख रहे हो। और भाई यहाँ से हम लोग चलते चलते जाएंगे तो कब तक पहुँचेंगे? तो भाई वो ही ले जाता हूँ मतलब जो अभी थी अपनी, क्या क्या कहते हैं भाई, 6X6 कहते हैं या 6X4 कहते हैं, मेरे को खुद को नहीं पता। 4X4 मतलब अभी जो चार टायर। ओके सो ये 6X6 ही होगा क्योंकि भाई 6 के 6 टायर चलते हैं इसके अंदर। और भाई डिफरेंस नहीं पता आप लोगों को तो यार
मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 4x4 में क्या होता है कि अब जैसे आप 4x4 करते हो तो मतलब चारों के चारों टायर मतलब घूमने लगते हैं। नॉर्मल कार में दो ही टायर घूमते हैं, आगे के और पीछे के नहीं घूमते, मतलब पावर नहीं मिलती उन लोगों को, घूमते तो है। और ये 6x6 में सभी के सभी मतलब पावर को इक्वल, अरे इक्वल टायर को पावर मिलती है। कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं खुद। वैसे यार सपोक सर आपने देखा तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को, स्टार्टिंग में देखा होगा शायद। सो यहाँ से भाई नीचे ले जाना है। ओके सो भाई ये ऐसी कार होगी ना तो ही ऑफ रोडिंग होगी सही में। अच्छा हुआ मैंने थार को उधर ही रख लिया भाई, क्योंकि मेरे को फ्रैंकलिन ने पहले ही बोल दिया था कि भाई बहुत ही खराब वाला रास्ता है। मैं तो सोच रहा था भाई कि थार की ऑफ रोडिंग कर लेंगे, लेकिन नहीं भाई, ऐसे टायर भाई ऐसे ही चाहिए भाई, लंबे लंबे मतलब चौड़े टायर चाहिए और बड़े वाले। देखो भाई कैसी है उसके सॉपअप सर, एक बार देखो यार कैसे हो रहे। मतलब थार में तो ऐसे नहीं हो रहे, क्योंकि मतलब इम्पोर्टेड कार है, वैसे इतनी भी एरोडायनामिक्स अच्छी नहीं है उसकी, ऐसे ही मतलब मैंने शो ऑफ के लिए ली है। भाई ये पेड़ भाई कैसा पागल जैसा मतलब कर दिया है। देखो भाई ऐसी कार होगी ना तो ही ऑफ रोडिंग होगी सही में। यहाँ पे भाई पानी में से कैसे जाएंगे। वैसे है रास्ता बना है, मतलब कच्चा वाला रास्ता है, तो पानी आता है ना मेरे को बहुत ही डर लगता है यार। पानी देखो फ्लो भी आ रहा है एकदम, अपनी कार तो दे, ओ भाई कार, अरे अरे फ्लो में निकल गई, रिवर्स लेना पड़ेगा भाई। सही में फ्लो में निकल गई थी वो भाई। सोपक सर क्या हो रहा है पीछे के देखो यार एक बार, बहुत ही बढ़िया यार। ये सिनेमेटिक्स के चक्कर में यार पेड़ आ गया बीच में, अबे हट भाई। ओ यही अच्छा लग रहा है सिनेमेटिक्स। ओके भाई 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 बढ़िया है यार कार, सही में यार ऐसी कार लेनी चाहिए थी। मतलब मैंने थार तो भाई अभी शो ऑफ के लिए, गैंगस्टर वाली फीलिंग आती है इसलिए लिए, क्योंकि मेरे को पसंद भी थी, इंडियन कार ही मेरे को पसंद है, अभी फॉरेन में मिलती नहीं है। बैनी भाई ने बोला कि आ गई तो मैंने ले ली भाई। खतरनाक सा, ओ भाई रैबिट तू निकल जा, मैं कुचल लेता सही में भाई, ऐसा मत करो, कुचलना तो नहीं चाहिए। भाई ये क्या कर रहा है भाई पुलिस वाला, भाई कहा तो फिर तू जा यार, फिर मेरे को जान दे दोनों के रास्ते। भाई रुक जा मेरे को जाने दे, मैं निकल लेता हूँ भाई। अब वो ठोकेगा तो नहीं, और नहीं ठोका भाई उसने। अच्छा अबे इधर से ले ना साइड पे से, क्या पत्थर में ठोक रहा है, मतलब इधर से ही ले लेते निकल जाएगी भाई। ओ ये क्या हो रहा है, अबे रास्ता किधर है, ग्लीच हुआ थोड़ा, मतलब पेड़ ज़्यादा दिखा दिया उन लोगों ने, मैंने सोचा ये कम वाला है तो इधर ही स्पीड में ले लेंगे, ये ही बढ़िया है। कभी कभी है ना ऑफ रोडिंग में यार स्पीड में लेना ही बढ़िया रहता है। ठुक गई। ये क्या यार बैरियर टाइप यार पत्थर रख रहे, मतलब सही में जो ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग है ना आपको करनी होगी तो यही वाले लोकेशन पे करो। ओ भाई ये रैबिट यार क्या यार, ओ भाई सिनेमेटिक्स यार मस्त लग रहा है। वैसे वैसे मैं ट्राई तो कर रहा हूँ यार सिनेमेटिक्स लेने, ये बहुत ही ट्राई करूँगा, मतलब जितने भी अच्छे सिनेमेटिक्स है वो देखेंगे हम लोग। मतलब ये रैबिट लोग भी यार थोड़े से डर जाते हैं, इसलिए आगे का सिनेमेटिक्स चाहिए भाई। ओके ओ ये कार है भाई, आगे ऑफ रोडिंग के अंदर कार भी रखी है उन लोगों ने, ऊपर से ही निकल जाएगी क्योंकि कार बहुत ही बढ़िया ये वाली। ओ भाई निकल गए आराम से। वैसे सही में बोलो ना थार नहीं निकल पाती, आपको क्या लगता है भाई कमेंट फिर से। और निकल जाएगी लगता है पानी में से भाई, क्या फ्लो ही आ रहा है। अच्छा हुआ ये पत्थर रखे, नहीं तो कार तो फंसी जाएगी सही में बोल रहा हूँ, ऐसी ही कार चाहिए। और देखो मतलब फ्रैंकलिन ने जो टूर्नामेंट सेट किए ना, मतलब पुलिस पुलिस सब है वो आगे। अबे मैंने गलती से ठुका दी, हेडलाइट टूट गई लगता है। वैसे यार ऐसी कार चाहिए तू ही, हम लोग कर सकते हैं। तो थार मेरे को नहीं लगता भाई थार हो सकता है, एक बार ट्राई तो करेंगे। ऊपर से जाना है भाई एक बार फिर से सिनेमेटिक्स। ओ क्या लगता है दोस्तों निकल जाएगी क्या, वैसे ये तो निकल जाएगी लेकिन थार नहीं निकलेगी। सो मैं थार को अभी तो ट्राई नहीं करूँ भाई, पानी का फ्लो देखो यार एक बार। रुको रुको सिनेमेटिक्स बंद करता हूँ। ओहो क्या लग रहा है यार पानी का फ्लो, सही में यार बहुत बढ़िया लगा। ओ फिर से उधर ही जाना है, तो रास्ते क्या खतरनाक बनाया यार फ्रैंकलिन ने, मतलब फुल दिमाग यूज़ किया। और टूर्नामेंट रखने वाला है वो, ट्रॉफी वॉफी सब होगा इसमें, और बंदे लोग मतलब अभी तो मैं ऐसे ट्रेस ड्राइव के लिए आया, वैसे बंदे तो रखे भाई उसने, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा है, पुलिस वाले भी है, एम्बुलेंस भी है, फायर ब्रिगेड भी है, सभी के सभी बंदे अभी। ओ ये क्या हो भाई, ये बड़ी कार है इसलिए, देखो एम्बुलेंस भी है इधर,
और मतलब बंदे भी देख रहे। ओ भाई ये रैबिट यार, अभी तो दो ओ उधर से डियर भी गया देखो एक। ओ भाई ये रास्ता मुझे बहुत ही खराब लग रहा है, निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी। ओ भाई आधी आधी कार डूब गई भाई पानी में। भाई हट जा तेरे चक्कर में कार फंस जाएगी भाई। अबे खड़े खड़े सिगरेट पी रहा तेरी तो। अबे कार सही में फंस गई, पागल जैसा है क्या ये? अरे यार सही में फंस गई यार ये कार तो। भाई निकल ही नहीं रही है यहाँ से, मेरे को खुद बाहर निकलना पड़ेगा। ये बन ओ भाई ये क्या बहुत ही ज़्यादा फ्लो है भाई, मैं खुद नीचे देखो गिर रहा हूँ भाई, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लो है। और अपनी आधी कार डूब गई ये पागल के वजह से, इसको इधर धोना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। वैसे पानी यार क्या क्लीन लग रहा है एकदम, पागल सा बंदा दे साले को। अबे तू क्यों अकड़ रहा है? उसकी गलती है, उसके वजह से मेरी कार अटक गई तेरी तो। अबे मेरे दोस्त का नुकसान है इसके अंदर, तू बाहर रुक बे, तू आ जा चल, तू भी बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में आ रहा था। ओ भाई मेरे को, ओ भाई 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 ओ सर मार रहा है भाई पानी में, मैं पानी में इसलिए किक ले ले। ओ बच गया साइड निकल ली उसने। ओ भाई पानी में गिर जाऊंगा। ओए ओए मार मत कम मत बर। ओके चल भाई गया तू गया, बे तेरी बारी है बे, जाड़िए रुक आ जा साइड पे आ जा तब लेते तेरे को मैं। ओ भाई सही में गंदा वाला दिया है भाई। ओ पानी में चला गया माइकल, अरे फ्लो में मैं पीछे जा रहा हूँ यार, गलत ही जगह पे उसने मार लिया मेरे को, देना पड़ेगा। आ जा चल जाड़िए खत्म। देख इसकी बॉडी तो भाई पानी में अटक गई, तेरी बॉडी नहीं अटकने वाली पानी में, चल डुबाता हूँ तेरे को भाई। कपड़े वपड़े सब खराब कर दिए यार, पागल जैसा बंदा था सही में। मेरी कार अटक गई, मतलब फ्रेंड की फ्रेंकलिन के कार, तेरी बॉडी तो भाई जाने वाली पानी में, तेरे को अंतिम संस्कार की जरूर भी नहीं पड़ने वाली भाई। ये क्या यार आधी कार डूब चुकी है उधर, अभी क्या करे, कपड़े भी हमारे गीले हो गए। कपड़े तो छोड़ो लेकिन कार का मुझे नुकसान हो रहा है, मतलब है बंदे यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी है सभी लोग है, तो वो निकाल तो लेके कुछ भी करके। लेकिन यार सही में पागल इसी बंदे ने, गुस्सा आ रहा है मेरे को। सभी निकल लेते यार, सभी कार में ही निकल लेंगे, तो मैं कार में बैठता हूँ पहले। ओके दोस्तों भाई यार ये वाले वीडियो के अंदर हम लोग बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि यार बंदे ने सही में यार पूरी मैंने अभी तक मैंने पूरी ऑफ रोडिंग तो नहीं कम्प्लीट की, लेकिन दोस्तों यार देखेंगे अभी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ओके दोस्तों यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो गाइस बाय।